हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। किसी भी बात की छुपी तरह के रहस्य और मान्यताएं छुपी होती है। हमारी यह स्टोरी किसी तरह के सच होने ना होने का दावा नहीं करती। इस वीडियो के द्वारा हम सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो रहस्य में और लोगों की तह सुनने पर आधारित है, इसलिए रहस्य अब भी बरकरार है। आप इस वीडियो को हिंदी में सुनकर नजरिए से ना देखकर एक इतिहास और रहस्य पे नजर डालिए। ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय बातें जिनसे शायद आप रूबरू ना हो। मुगल बादशाह शाहजहां एक ऐसा नाम जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को मोहब्बत करना सिखाया, लेकिन कुछ प्रेमियों ने उन्हें मोहब्बत का मजाक उड़ाने वाला भी कहा। शाहजहां स्वयं मुसलमान थे और उनकी प्रजा हिंदू। उनकी प्रजा ने ऐसा साम्राज्य बनाया जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है। आइए जाने शाहजहां के ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमय बातें जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बात सन 1631 की है। मुगल बादशाह शाहजहां हिंदुस्तान के सरजमी पर अपनी बेगम मुमताज महल की मृत्यु का मातम मना रहे थे और उस मातम में एक धड़कन उनके पीछे झूठी मोहब्बत की भी थी जिसे आने वाली पीढ़ियों के सामने वे मिसाल के रूप में देना चाहते थे। मोहब्बत के बाद यदि उनका दिल किसी चीज में लगता था तो वो था आर्किटेक्चर। मुगल बादशाह होने के साथ साथ वे आर्किटेक्चर की दुनिया के भी बादशाह थे। इमारतों के लिए उनका परफेक्शनिस्ट जुनून आजीवन बरकरार रहा। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी थी जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। साथ ही यमुना नदी के एकांत तट पर इस शानदार मकबरे की नींव डाली गई थी। जिन हिंदू कारीगरों पर शाहजहां राज करते थे वे अपने पत्थर तराशने के लिए हुनूर के ये बेहद मशहूर थे। उन कारीगरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पत्थरों को वे तराश रहे हैं उन पत्थरों से निर्मित इमारत दुनिया भर के चुनिंदा अजूबों में शामिल होगी। वे कारीगर जिस विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करने में दिन रात लगे हुए थे उनकी मिसाल सिर्फ बीत चुकी और मौजूदा पीढ़ियों ने ही नहीं दी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की जमीन पर पूरा शहर उभर आया था। उस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक 20,000 मजदूर लगे रहते थे। एक बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के समय के 20 करोड़ डॉलर से कहीं अधिक रुपए खर्च हुए थे जैसा कि माना जाता है। ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को किसने किसके लिए बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया और कहाँ बनवाया, ये बातें सभी लोग जानते हैं और इसे लेकर कई तरह के मत भी प्रचलित हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते। हालांकि इंटरनेट के जमाने में सब कुछ जान पाना आसान है, फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए ताजमहल के इन रहस्यमय तथ्यों पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है जो इस खूबसूरत इमारत की चकाचौंध में दिखाई नहीं पड़ते। सबसे पहली बात जिसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ वह ये कि ताजमहल के मकबरे की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत के इस छेद से टपकती बूंद के पीछे कई रहस्य प्रचलित है जिसमें सबसे प्रचलित रहस्य यह है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने जब सभी मजदूरों के हाथ काटने का घोषणा किया तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का ये कंप्लीट इमारत बनाने का सपना पूरा न हो सके। शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल का दीदार किया तो कहा कि ये इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयान नहीं करेगी बल्कि उन सभी लोगों को दोष मुक्त करेगी जो मनुष्य का जन्म लेकर हिंदुस्तान के इस पाक जमीन पर अपने कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे देंगे। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा लिए थे, लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था और उस्ताद अहमद की देखरेख में ही लाल किले के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की ओर झुकी हैं।
इमारतों का ये झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही है, इसलिए झुकी हुई है। क्या आपको मालूम है कि एक बार ताजमहल को भी बेचा जा चुका है। बिहार के सुप्रसिद्ध ठग नटवर लाल के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार उसने ताजमहल को मंदिर बता कर बेच दिया था। जब ताजमहल बना था तो उसकी कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ब्रिटिश काल के समय इस बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वे बेशकीमती पत्थर किसी भी आंखें चौंधियाने की काबिलियत रखते थे। किसी भी इमारत के बनने के पहले और बाद में जो बात सबसे पहले हमारे मन में आती है वो ये है कि इस इमारत के निर्माण में खर्च कितना आया था। तो हम बता देते हैं कि ताजमहल के बनने में 32 मिलियन खर्च हुए थे, जिसके आज की कीमत में 106.28 से भी अधिक है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार नाम भी जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारतों के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट, ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं। और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। इस इमारत को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हैं। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज आगरा की ओर रवाना होती है। शाहजहां के उस सपने के बारे में आपको मालूम है जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था, काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काले ताजमहल का निर्माण कराएं, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो ये सपना हमेशा हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह गया। ये बात तो हैरान करती है कि वो ये है कि ताजमहल का रंग बदलता है। ताजमहल अलग अलग पहाड़ में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, और इस हैरानी की वजह है कि ताजमहल का संगमरमरीय सफेद रंग का होना। सफेद रंग हर रंग में मिलकर उसी का रंग ले लेता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफेद, शाम होते होते तक नारंगी और रात की चांदनी में सुनहरा। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने 6वीं शताब्दी में बनवाया था। जिस समय हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत देख पा रहे हैं, वहां पहले शिव मंदिर था जिसे तेजो महल्ले के नाम से जाना जाता था, और उसकी छत से टपकने वाले पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, जरूर कमेंट में अपनी बात शेयर कीजिए हम सभी भाइयों के साथ।